सुशांत सिंह के केस में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कुछ दावे किए हैं। आइए जानते हैं उस दावे के बारे में इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूं आपका एंटरटेनमेंट की दुनिया में। एक दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत के शव को ले जाने वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर ने दावा किया था कि उसे इंटरनेशनल नंबरों से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। ड्राइवर शहनवाज अब्दुल करीम की अपने साथियों के साथ सुशांत के घर में पहुंचे थे और उनके शव को कूपर हॉस्पिटल लेकर गए थे। अब शहनवाज ने एक और चौंकाने वाला दावा किया है। यह दावा एक हिडन कैमरा इंटरव्यू में सामने आया है और इस तरीके की बातें वह खुद कर रहा है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर यह फैलाई गई तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस के द्वारा ही फैलाई गई थी। आखिर किस तरीके से शहनवाज़ ये बातों को कह रहा है? शहनवाज ने इस वीडियो में बताया है कि जब वह पहुंचे थे तो सुशांत की बॉडी लटकी हुई नहीं थी बल्कि नीचे उतार ली गई थी और उसे एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रखा गया था। इसके अलावा शहनवाज ने चौंकाने वाले दावा करते हुए कहा है कि सुशांत के शव की तस्वीरें मुंबई पुलिस के लोगों ने ही फेसबुक पर अपलोड की थी। उन्होंने कहा कि पहले पुलिस ने उनसे कहा था कि नानावटी हॉस्पिटल जाना है, लेकिन बाद में कहा कि शव को कूपर हॉस्पिटल लेकर जाना है। वहीं आपको बता दें कि पहले ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हालांकि मुंबई पुलिस का यह कहना है कि उसकी जांच पूरी तरह से परफेक्शन है और परफेक्शन के साथ साथ प्रोफेशनल, लेकिन लगातार इस बात पर जांच पर ढिलाई की जा रही है और यह हमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। वहीं बिहार पुलिस के डीजीपी ने सीधे मुंबई पुलिस पर भी ठीक से जांच ना करने के कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। और इसके अलावा एक दिन पहले ही सुशांत के पिता ने भी एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि उन्होंने 25 फरवरी को मुंबई पुलिस से अपने बेटे की जान को खतरे का अंदेशा बता दिया था और जताया भी था पहले ही, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस ने एक भी इस बात की खबर नहीं ली। तो आखिर कहीं ना कहीं ये तमाम वीडियो यह बता रहा है कि मुंबई पुलिस में ही सारी गलतियां हैं और मुंबई पुलिस इस केस को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है और किस तरीके से मुंबई पुलिस ढिलाई करती हुई नज़र आ रही है। आखिर मुंबई पुलिस ऐसा क्यों कर रही है, यह सवाल हम सबके मन में है। आपका क्या मानना है, आप की क्या राय है इस बात को लेकर, आप ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और तमाम बॉलीवुड खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।